ऑस्ट्रेलिया का मैच टॉस का टाइम कर गए हैं और दोनों बल्लेबाज उतर के हुए मैदान पर। यह तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सी गेम और पहले गेम पर बेहतरीन तरीके से यहां पर मिड ऑन के क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे और गेंद का सामना करने वाले हैं सामने की तरफ उठा के खेला है। यहां पर 4 रन मिलेंगे मिड ऑफ। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट दोस्तों, जी हाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। एक और चौका आता हुआ, एक और गेंद सामना करेंगे ऋषभ पंत। हवाई फायर ऑफ साइड में फील्डर को बीट किया लगातार चौथी गेंद पर 4 बढ़िया तरीके से यहाँ पर किशन किशन सामना किया है। किशन 11 गेंदों पर 22 रन। ये बढ़िया शॉट है, बैट के बीचों बीच लगा है, गैप में है। 4 रन मिलेंगे दोस्तों ये यहाँ पर। ओ हो हो ऋषभ पंत लगातार रनों। अरे रे ऋषभ पंत भैया क्या किया, 22 रनों पर अपनी पारी को खत्म किया। आसान सा कैच पॉइंट के खिलाड़ी को देते हुए यहाँ पर पवेलियन जाना पड़ेगा। इस पर अब ये बल्लेबाज अगली मैच में भी शतक लगाया था और इस मैच में देखते हैं। और सामने की तरफ जी हाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव बढ़िया तरीके से इस बार सामने की तरफ यहाँ एक स्थान पर 4 ओवर सामना करेंगे किशन। और हवा में उठाया है किशन, जी हाँ दो फील्डर को बीट के लिए तैयार है किशन। यहाँ पर हवाई फायर करने की जरूर कोशिश और 4 रन मिलेंगे। उसी तरीके का शॉट ऑफ और एडम जंपा की पहली गेंद यहाँ पर 6 रन बटोर रहेंगे। और क्या अगली गेंद जंपा बढ़िया तरीके के खेला, यहाँ पर कैच हो सकता है। रिशन किशन को जाना पड़ेगा 38 रन बनाए 12 गेंदों पर। विकेट गिरता हुआ दूसरा टीम इंडिया का, रिशन किशन कैच आउट हुए। सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए किशन ने, तो अच्छे से बल्ले पर लिया नहीं गेंद को और थोड़ा सा कमज़ोर शॉट, खराब शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। श्रेयस अय्यर आएंगे बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से एक बार उठा के खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए श्रेयस अय्यर ने। आते ही आतिशबाजी लगा और यहाँ पर बल्ले का किनारा आउट दिया गया है अंपायर। क्या रिव्यू लेना चाहेंगे, रिव्यू का कोई मौका नहीं। यहाँ पर विकेट गिर क्या यहाँ पर बाहरी किनारा लगा है या नहीं, जी हाँ लगा है तो आउट है। हार्दिक पंड्या का है दो रन दौड़ सकते थे लेकिन एक ही रन। अगली गेंद जंपा डालेंगे हार्दिक पंड्या को और उठा के खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रन मिलेंगे यहाँ हार्दिक पंड्या को बाजी करते हुए। और यहाँ सामने की तरफ फील्डर मौजूद था और उसके ऊपर से इस बार एक्स्ट्रा कवर, 4 रन मिलेंगे बहुत बढ़िया। पंड्या सामने होंगे, बढ़िया खेला इस बार। यहाँ पर हार्दिक पंड्या छक्के यहाँ पर हार्दिक पंड्या ने लगाए हैं। पार्टनरशिप 17 गेंदों पर 51 दोनों की हो चुकी है। और इस चौके के साथ 39 रन, अभी भी 2 गेंद शेष और हो भी जाएगा ये 6 रन के साथ 45 पर पहुंच चुके हैं हार्दिक पंड्या। जी नहीं यहाँ पर 6 रन के साथ मिलेगा और मिला है 4 रन। 50 रन सिर्फ यहाँ पर
19 गेंदों का सामना किया, 53 रन बनाए सूर्य कुमार, तो 71 ये शॉट बढ़िया शॉट सूर्य कुमार यादव वाला, वही ये भी बढ़िया शॉट है, ये यहाँ पर गैप नहीं ढूंढनी पड़ेगी, हवाई यात्रा पर भेजा है इसलिए 6 रन के साथ 50 पूरे करते हुए हार्दिक पंड्या दूसरा अर्धशतक यहाँ पर लगातार, हार्दिक पंड्या 18 गेंदों पर 52 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी और मौका परस्त से 6 रन जरूर मिलेंगे, 100 रन का पार्टनरशिप सिर्फ 36 गेंदों पर। तो इस बार 6 रन के लिए भेजा गया है, बढ़िया शॉट इस बार पॉइंट के ऊपर से, इस बार ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, सूर्य कुमार यादव एक और बल्ला घुमा है फ्लैग और दूसरी गेंद को भेज दिया है क्राउड के बीच, और इस गेंद पर 100 रन पूरे किए हैं सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों पर, लेकिन यहां पर ये शतक सिर्फ 31 गेंदों पर पूरा हुआ है, इसका मतलब 12 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं यहां पर, सामना करेंगे सूर्य, जी हां सामने की तरफ एक और लगातार शॉट बेहतरीन 6 रन के लिए, यहां पर हार्दिक पंड्या के बल्ले से यहां पर खूबसूरत शॉट आता हुआ, बेहतरीन शॉट यहां सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आते हुए, इस शॉट के साथ हार्दिक पंड्या का शतक पूरा होगा दोस्तों, 35 गेंदों का सामना किया है, 103 रन हार्दिक पंड्या यहां पर, एक तो यहां पर 208 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 72 गेंदों पर, और हवा में खेला है हार्दिक पंड्या ने, कैच आउट हो सकते हो गए, हार्दिक पंड्या 40 गेंदों का सामना किया, 109 रन पर आउट हुए, लैम्बू शेंग ने कैच किया, 2 गेंदों के लिए सामना करने वाले हैं, सुंदर और बढ़िया गैप सुंदर ने सुंदर शॉट लगाया, और सुंदर ने आखिरी 2 गेंदों पर सुंदर काम किया, समाप्ति के बाद यहाँ पर टीम इंडिया ने एक बड़ा और बड़ा सबसे बड़ा ताक किया, हार्दिक पंड्या 109 रन 40 गेंदों का सामना किया है, ईशान किशन 38 रन और ऋषभ पंत 22 रन 8 गेंदों का सामना किया है, विकेट की बात करें तो चारों को एक एक विकेट मिला है, और महंगे बात करें स्टॉइनिस बहुत तो यहाँ पर टीम इंडिया ने 325 बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 3 आज उनको भेजा गया है, यहाँ पर तरीके से खेलना होगा ऑस्ट्रेलिया को, और खेल दिया है, ड्राइव किया है पहली गेंद, गेंद एक और गेंद आती हुई और हवा में उठाया है सामने की तरफ डेविड वॉर्नर के बल्ले से, यहाँ पर पहला तीसरी गेंद, टीम हेड यहाँ पर अपील करी और आउट, टीम हेड ले लिया है रिव्यू, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये रिव्यू से पहले, यहाँ पैर पर लगी है गेंद और ये ओरिजिनल डिसीजन आउट, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सेटिंग पिचिंग इन लाइन और विकेट मिलेगा, युजवेंद्र चहल आते ही तीसरी गेंद पर विकेट लिया, 0 रन पर करी युजवेंद्र चहल ने, यहाँ पर स्मिथ आए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, और की अगली गेंद, ये तो शॉट सूर्य कुमार वाला है, स्टीवन स्मिथ ने अगली गेंद 5वीं ओवर की, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा रहे, लगातार सिंगल की कोशिश, ऐसे तो 326 रन नहीं बनेंगे, एक और अगली गेंद बढ़िया तरीके से रक्षा, तो ये गेंद पहली गेंद कोई रन नहीं, मोहम्मद सिराज बढ़िया गेंदबाजी, कोई रन नहीं, लगातार 2 गेंदों पर और यहां पर रन आउट की कोशिश हो सकती है, सिंगल मिला और तीसरी गेंद मोहम्मद सिराज डेविड वॉर्नर को, डेविड वॉर्नर ने और हवा में खेला है 6 रन के लिए, यहां पर मोहम्मद सिराज डालेंगे
डेविड वार्नर को वाइड गेंद। तो अगली गेंद डेविड वार्नर को बढ़िया तरीके से इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में उठा के खेला है 6 रन के लिए। एंड बढ़िया खेला, ड्राइव किया 1 रन के लिए। क्या 2 रन तो नहीं मिलेंगे। गेंद वाशिंगटन सुंदर, यहां पर बल्लेबाज ने उठा के खेल दिया मिड ऑन के क्षेत्र में। चल रही थी 160 रन 15 गेंदों पर हो तो पर जी हाँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। जी हाँ होगा क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। ये बढ़िया शॉट यहाँ पर, तो कैमरून ग्रीन सामना करेंगे। सीधा शॉट इस बार 6 रन के लिए। ये गेंद वाइड हो सकती है क्या? और ये वाइड नहीं है। बहुत बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से जारी हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज के बीच, कैमरून ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस। तो ये गेंद थोड़ी सी बाहर थी, वाइड हो सकती थी अगर नहीं खेलते तो, लेकिन बल्ले से घुमा कर खेला, लुटा सकता है, लुटाया है। दूसरी गेंद पर छक्का क्योंकि यह 190 पर पहुंच पाई है। यहां पर उठा के खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, पूरा छक्का है और 6 रन प्राप्त करे। मैच समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारेगा। इस गैप में चौका पाया है आखिरी गेंद पर, तो दोस्तों 1 रन पूरे कर पाई, मैच गवाया है यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने। सूर्य कुमार यादव की प्रशंसा करनी पड़ेगी, 128 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या ने 109 रन बनाए थे। दोनों ने कम दोस्तों की पार्टनरशिप करी थी, तो उसके सामने एक ही अर्धशतक आया है ऑस्ट्रेलिया में कैमरून ग्रीन का। डेविड वार्नर ऊंचा उस पर आउट हुए थे, तो यहाँ बात करें 2-2 विकेट लिए ही चहल और पूर्णेश्वर कुमार ने। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला है। सूर्य कुमार यादव ने 1 ओवर डाली थी, यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला था। हुडा ने 1 ओवर डाली थी, बहुत अच्छी जो भी डाली थी वो डाली थी जी हाँ मैडन ओवर। तो एक बार और मिलते हैं दोस्तों नई गेम के साथ, चलिए फिर से एक बार जुड़ जाइएगा हमारे साथ।